प्रयागराज में कुंभ की तैयारियां चल रही हैं। संभावना जताई जा रही है कि इस बार करीब 15 करोड़ श्रद्धालु कुंभ मेले में पहुंच सकते हैं। संगम के तट पर लगने वाले कुंभ मेले में 22 पुल तैयार किए जा रहे हैं। प्रशासन इन पुलों के निर्माण में गुणवत्ता पर पूरी नजर रख रहा है। अवैध खनन को लेकर ललितपुर में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। महावीर वन्य जीव सेंचुरी के 10 किलोमीटर के दायरे में चलाई जा रही सभी पत्थर खदानों को बंद कर दिया गया है। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री की खदान को लेकर भी सख्ती की गई। प्रशासन की तरफ से पूर्व मंत्री के खिलाफ अवैध खनन को लेकर केस दर्ज कराया गया। आरोप है कि विभाग की तरफ से रोक के बावजूद काला पहाड़ी पर स्थित ग्रेनाइट की खदान पर अवैध रूप से खनन किया जा रहा था। यूपी में 108 एम्बुलेंस सेवा पर कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं। ताजा मामला गोंडा का है, जहां समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचने पर सड़क हादसे में घायल युवक को चारपाई पर लादकर अस्पताल पहुंचाया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने 108 पर फोन किया था, लेकिन काफी देर तक मौके पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में खसरा रुबैला टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने इस टीकाकरण को देश का सबसे बड़ा अभियान बताते हुए सबकी सहभागिता की वकालत की है। सीएम ने कहा है कि खसरा रुबैला टीकाकरण से बीमारियां फैलने से रोकने में बेहद मददगार है। सीएम योगी ने कहा कि टीकाकरण का कार्यक्रम 5 हफ्तों का है और इसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ शिक्षा विभाग की भी बड़ी भूमिका होगी। सीएम ने विभागों को जागरूक करने की भी वकालत की है। सीएम ने अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा सीएम योगी ने दिमागी बुखार के खिलाफ चलाए गए अभियान की भी जानकारी दी। बलरामपुर में खसरा रुबैला टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। जिला मुख्यालय के सीएमएस इंटर कॉलेज में सांसद ददन मिश्रा, तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ और सदर विधायक पलटूराम ने फीता काटकर पूरे जिले के स्कूलों में इस अभियान की शुरुआत की। इस दौरान बच्चों को इंजेक्शन लगाने के बाद टीकाकरण कार्ड वितरित किए गए। जिले के करीब 8 लाख बच्चों को चिन्हित करके टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। सीतापुर में मजलिस रुबेला टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। ग्रेस मॉडल स्कूल में बीजेपी के सदर विधायक राकेश राठौर ने इसका शुभारंभ किया। इस दौरान स्कूल के करीब 2000 बच्चों को टीका लगाया गया है। जिला प्रशासन के करीब 17 लाख बच्चों को टीकाकरण कराने का लक्ष्य तय किया गया है। आगरा में एक महिला के बीच सड़क पर चोर को सबक सिखा दिया। चोर ने महिला का बैग छीन लिया था, लेकिन महिला ने हिम्मत नहीं हारी। करीब 1.5 घंटे तक पीछा करने के बाद उसने चोर को दबोच लिया और सड़क पर ही इसकी पिटाई शुरू कर दी। चोर की पिटाई होता देख भीड़ मौके पर जमा हो गई और लोगों ने भी चोर को पीटना शुरू कर दिया। फर्रुखाबाद में अवैध शराब बनाने के कारोबार में लिप्त महिला की शिकायत करना पड़ोसी को महंगा पड़ गया। पुलिस के जाने के बाद दबंग महिला ने अपने बेटे के साथ मिलकर शिकायत करने वाली पड़ोसी के घर आग लगा दी। राजीपुर थाना के गांव खंडौली में ये पूरी वारदात हुई। बदायूं तहसील परिसर के अंदर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। यहां पुलिस की मौजूदगी में दो पक्ष एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में दो पक्षों में विवाद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने शांति भंग का मामला दर्ज किया था। जब दोनों पक्ष जमानत कराने अपर जिला अधिकारी कार्यालय तहसील पहुंचे, तब दोनों एक बार फिर भिड़ गए और एक दूसरे को बुरी तरीके से मारने लगे। झांसी में मऊरानीपुर थाना कोतवाली क्षेत्र में बने शौचालय में सिपाही और कर्मचारी के बीच मारपीट हुई। घटना के बाद नगर पालिका के सभी सिपाही कर्मचारियों ने पुलिस चौकी पहुंचकर हंगामा किया और सिपाही के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हापुड़ के पटना मुरादपुर इलाके में उधार दिए गए पैसे वापस मांगने पर 4 दबंगों ने एक दिव्यांग को जमकर पीटा है और फरार हो गए। दिव्यांग को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस दबंगों की तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि दिव्यांग युवक की परचून की दुकान है और एक आरोपी ने उसकी दुकान में 6000 रूपये का सामान उधार लिया था। सहारनपुर में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। महिला की हत्या कर आरोपी मौके से फरार हुआ, जिससे पूरे शहर में दहशत फैल गई। हालांकि पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। चंदौली में एक कपड़ों के शोरूम पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। सेंधमारी कर शोरूम में घुसे चोरों ने ब्रांडेड कपड़ों के साथ लॉकर को भी अपना निशाना बनाया। चोरी कर रहे चोरों की तस्वीर शोरूम के सीसीटीवी में कैद हो गई। पूरा मामला मुगलसराय कोतवाली इलाके की नई बस्ती का है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरों की तलाश में जुटी है। इटावा महिला अस्पताल के स्टाफ पर गंभीर आरोप लग गया है। यहां डिलीवरी के लिए एक महिला को भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि महिला ने अस्पताल में लड़के को जन्म दिया, लेकिन अस्पताल स्टाफ ने लड़के को बदलकर उसकी जगह लड़की सौंप दी। परिजनों का कहना है कि डिलीवरी होने के बाद स्टाफ की तरफ से उन्हें बताया गया था कि बेटा हुआ है, लेकिन बाद में लड़की की जगह लड़की दी गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल स्टाफ ने उनसे बधाई के नाम पर 2000 रूपये भी वसूल लिए। सीएमओ ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए। फतेहपुर के सदर कोतवाली में हवा भरने वाले टैंक फटने से एक बच्चे की मौत हो गई। हादसा बिंदकी बस स्टॉप के पास हुआ। मृतक के भाई का कहना है कि वो अपने बड़े भाई के साथ दुकान खोलने आया था और टैंक का मोटर ऑन करते ही धमाका हो गया।
मुरादाबाद के बेलारी थाना इलाके में एक युवक ने अपनी 2 महीने की मासूम बच्ची को चाकू से कूट डाला। बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। परिजनों की माने तो युवक को उसके किसी साथी ने ऐसा करने से उकसाया था, जिसके बाद उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। दरअसल आरोपी युवक अपनी पत्नी पर अवैध संबंधों का शक जता था और बच्ची को नाजायज बताकर लगातार परिजनों से मारपीट करता रहता था। इसी शक के चलते उसने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतारने की प्लानिंग कर ली। कानपुर के राजकीय पॉलिटेक्निक के एक छात्र ने खुदकुशी कर ली। छात्र का शव हॉस्टल के बाथरूम में लटका मिला। वहीं अपने साथी को मौत पर छात्रों ने जमकर हंगामा काटा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्रों को शांत कराया, साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी। छात्र अभिषेक ऑटो मैकेनिक में फर्स्ट ईयर का छात्र था। अभिषेक के दोस्तों का कहना है कि दोपहर के समय अभिषेक अचानक से गायब हो गया था। जब उन्होंने इसे ढूंढा तो बाथरूम में लटका मिला। छात्र ने खुदकुशी क्यों की, पुलिस इसकी वजह तलाशने में जुटी है। अमरोहा में 50 साल की महिला का शव उसके ही घर से बरामद हुआ है। मामला हसनपुर कोतवाली इलाके का है। जमीन विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीतापुर में पुलिस की टीम ने 212 पेटी अवैध शराब बरामद की है। शराब हरियाणा में बनाई गई थी। इसकी कीमत करीब 60 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने शराब की एक खेप 2 अलग अलग जगहों से बरामद की है। पुलिस ने 3 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। शामली में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर कारों की चोरी करते थे और इन कारों को शामली में बेचते थे। पुलिस ने चोरी की निशानदेही पर एक गैरेज से चोरी की कारें बरामद की हैं। चोर 10 लाख तक की गाड़ियों को 1 लाख रुपए की कीमत पर बेचते थे। बुलंदशहर में हुए सड़क हादसे में 20 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं, जिसमें कई बच्चे भी शामिल हैं। यह हादसा बुलंदशहर खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के NH51 पर टाटा 407 के पलटने की वजह से हुआ। कानपुर में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। मामला लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का है। यहां पर बस और कार की टक्कर हो गई। जानकारी के मुताबिक अयोध्या से वापस जा रही एक प्राइवेट बस ने अचानक से ब्रेक लगा दी, जिससे यह भिड़ंत हुई और मौके पर कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई। गाजीपुर में ARTO में तैनात क्लर्क की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा गोरखपुर वाराणसी हाईवे पर बाइक और अज्ञात। मुजफ्फरनगर में छपार के पास NH58 पर एक कार अचानक आग की चपेट में आ गई। कार सवार ड्राइवर दूसरे शख्स ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। जानकारी मिलने पर पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक कार पूरी तरीके से जल चुकी थी। हादसे का शिकार कार ऋषिकेश से दिल्ली जा रही थी। सड़क के बीचों बीच कार में आग लगने के बाद सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लग गया। गाजियाबाद के कविनगर में कबाड़ी की दुकान पर भीषण आग से काफी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि काफी देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। सुल्तानपुर जंक्शन पर एक मालगाड़ी के 4 डब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के वक्त मालगाड़ी प्लेटफार्म पर पहुंच चुकी थी और करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। मालगाड़ी के डिरेल होने की वजह से लखनऊ वाराणसी रेलमार्ग काफी देर तक बाधित रहा। हादसे की जांच के लिए DRM की तरफ से आदेश दे दिए गए। 86 रेल मंडल के DRM और CRM सर्किल ने नई इलेक्ट्रिक रेल लाइन का निरीक्षण किया है। हरपालपुर रेलवे स्टेशन से खैरार जंक्शन तक रेल लाइन का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने कहा है कि इस लाइन पर जल्द इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन चलाई जाएगी। संभल के राजपुरा थाने की पुलिस ने 70 साल की महिला की हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने बताया कि चुनावी रंजिश में विरोधी को फंसाने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया था। आरोपी युवक बुजुर्ग महिला को बाइक पर लिफ्ट देकर जंगल ले गया और हत्या करने के बाद शव को विरोधी के खेत में दफना दिया था।